पूर्वी राजस्थान के करौली में इन दिनों महाराष्ट्र का लंबा अंगूर अपनी बेहतरीन मिठास और अपने अनूठे स्वाद से लोगों को ठंडक प्रदान कर रहा है। भीषण गर्मी और कड़कड़ाती धूप में लोग इसकी जमकर खरीदारी के साथ प्रतिदिन इसका सेवन कर रहे हैं। इसी कारण रोज महाराष्ट्र के इस लंबे अंगूर की 5 से 6 टन माल की रोज खपत हो रही है। आइए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। ये बहुत मीठा अंगूर है, लंबा अंगूर के नाम से दिखता है, महाराष्ट्र का अंगूर है और बहुत इसको पसंद करते हैं लोग बाग। और ये बहुत मीठा है, स्वादिष्ट है और ठंडा होता है, तो इसलिए गर्मी में बहुत पसंद करें लोग बाग। अच्छी बिक्री है इसकी, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं लंबे अंगूर को, बढ़िया तरीके से ले आते हैं। आपका कितना अंगूर बिक रहा है रोज? हमारा बिक जाता है 10-12 क्रेट, 2-2.5 क्विंटल डेली बिक जाता है। 2-2.5 क्विंटल क्या भाव बिक रहा है इस बार अंगूर? अभी तो फिलहाल हम 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। वैसे तो रोज का भाव है, अगर मंडी से सही आता है तो कम भी हो जाती है रेट। कल 50 बिका था, आज 60 की रेट है। लोग करौली वासी इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इससे इसलिए हम रमजान का महीने चल रहा था, रोजदार भी इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं ठंडे की वजह से। लोग के हिसाब से अपने करौली शहर में, करौली शहर में 5.5 से 6 टन माल जाता है मंडी से भी और मिठास के लिए लंबा अंगूर जाना जाता है खासतौर से। कितने दिनों से आ रहा है ये करौली में? 10 फरवरी से चालू हो गया था, ओपनिंग थी 10 फरवरी, और ये अभी 10 दिन और चलेगा, फिर उसके बाद कोल्ड स्टोर चालू हो जाएगी। क्या भाव क्या बिक रहा है इस बार इसका? भाव तो मान लो आप 35 रुपये से 40 रुपये किलो के बीच में चल रहा है और 50 रुपये किलो बिक रहा है रिटेल में। फुटकर में ये 50 रुपये किलो बिक रहा है। पिछले सालों के बजाय इसका भाव बढ़ा है क्या? रेट पिछले साल से अब कम है, इस साल फसल अच्छी होने लगी। इसकी खासियत क्या होती है? बस मिठास होता है इसमें, गोल के मुकाबले गोल अच्छा निकलता, थोड़ा मिठास ज़्यादा होता है। तो ये महाराष्ट्र से दोनों, ये गोल और लंबे दोनों ही महाराष्ट्र से आते हैं? सारी ही प्रजाति महाराष्ट्र की है।